चुनाव प्रेमियों के अरमानों पर प्रशासन ने पानी फेरते हुए ठेके न खुलने का आदेश जारी कर दिया। पुलिस प्रशासन ने लाउडस्पीकर से मुनादी करवाकर चुनाव प्रेमियों को ये जानकारी दी तो सबके चेहरों पर निराशा और मायूसी साफ दिखाई दी। जब हमने इस बारे में लोगों से बात की तो उनका दर्द छलक उठा। हालांकि पहले डीएम प्रभु एएन सिंह ने निर्देश दिए थे कि आगरा में शहरी क्षेत्रों से दूर सिर्फ देहात में शराब बिक्री की अनुमति होगी। इसके लिए पहले आबकारी विभाग द्वारा सभी दुकानों के स्टॉक चेक किए जाएंगे, तभी दुकानें खुलेंगी। दुकानों पर भीड़ नियंत्रण करने के लिए पुलिस गश्त करेगी, सामाजिक दूरी का पालन होगा। यहाँ आपको बता दें कि देहात में फतेहपुर सीकरी एतमादपुर ककुआ में दुकानें नहीं खुलेंगी, उन्हीं दुकानों को खोला जाएगा जो आबादी क्षेत्र से दूर स्थित है। जनपद में सभी तरह की 795 शराब की दुकानें हैं, इनमें 307 देशी शराब, 224 अंग्रेजी शराब और अन्य बियर शॉप है। एक्चुअल में सरकार ने बोला था कि नगर निगम में जो भी है वो क्षेत्र के नहीं खुलेंगे और नगर पंचायत वगैरह इन सब के खुलेंगे। यहाँ सुबह 9 बजे से सब लोग बैठे खड़े हुए हैं लाइन में और कोरोना की वजह से सेंसिंग सोशल डिस्टेंसिंग बना के खड़े हुए थे, अभी तक ठेके नहीं खुले हैं। कितने बजे का टाइम था ठेका खुलने? सर 10 बजे का टाइम था, 10 से 7 बजे का, अब 11 बजने वाला, 11 बजे तक सर कोई ठेका नहीं खुला। कौन सी जगह है ये? साहब चकोदा आता है रोहता में। भीड़ इसलिए हो रही है, आज सुबह हमने देखा था अखबार में पढ़ा था कि आज ठेका खुलेंगे, करीब 43-44 दिन हो गए अभी तक पी नहीं है लोग वागों ने, इसलिए पीने के चक्कर से आए हैं। यहाँ पर ऐसा हुआ है कि 11 बज गए अभी तक ठेका नहीं खुला है। कौन सी जगह है ये? जगोदा है। तो क्या आज यहाँ ठेका खुलने का कितना बजे का टाइम था? 10 बजे का टाइम दिया था सरकार ने, 10 बजे से 7 बजे तक। आंकड़ों के मुताबिक जिले में एक साल में करीब 1.43 करोड़ लीटर सभी तरह की शराब की खपत होती है। लॉकडाउन में शराबबंदी से सरकार को हर माह करोड़ों रुपए की राजस्व हानि हो रही थी। डीजी महाजन न्यूज के लिए अमित शर्मा की रिपोर्ट।